गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हमारा डिस्कशन चल रहा था रेट लैंग्वेज सेकंड को लेकर और आपकी पाँचवीं यूनिट चल रही थी और लगभग आपकी पांचवी यूनिट खत्म होने वाली है। दो छोटे छोटे बिंदु रहे हैं रोल ऑफ होम लैंग्वेज और दूसरा आपका रहा है मल्टी सारी की सारी क्लासेस प्ले में पड़ी हैं एक सिक्वेंस के साथ जरूर देखें और खुद का एक माइंड करें कि हाँ यार इतना पढ़ने के बाद क्या मैं इस यूनिट से पाँच में से पाँच कर सकता हूँ क्या तो आज की हमारी ये क्लास रहेगी चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश पे एक बिंदु दे रखा है हालांकि एरर्स और डिसऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं डाल रखे फिर भी आप खुद एक्सपोज करिए कि मान लीजिए कल ही आपका रेट में सिलेक्शन हो जाता है क्या आपकी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा नहीं होगा एक या एक से अधिक ऐसे बच्चे नहीं हो सकते जो पढ़ने में असमर्थ हैं किसी चीज को लिखने में असमर्थ हैं है ना सुनने में असमर्थ हैं आप उसको किस रूप में फेस करेंगे क्या आपके सामने वो चैलेंजेस नहीं है क्या यदि वो चैलेंजेस हैं तो आपको पढ़ने अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको ये टॉपिक छोड़ना चाहिए बिंदु तो आज का हमारा ये डिस्कशन रहेगा मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखा देता हूँ पूर्ण सेंस की ओर चलेंगे ताकि आप अपना माइंड उसी रूप में कर ले और जितनी भी पढ़ने वाली चीजें हैं कम समय में हम बेहतर पढ़ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं वो सारे हम इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश कहीं से पढ़ने पड़े बाकी तो किताबें भरी पड़ी हैं आप ज़रूर आप पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहला और बड़ा चैलेंजेस आता है बच्चों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दूसरा है लेक ऑफ मोटिवेशन इंटरेस्ट प्रैक्टिस गाइडेंस देखिए हमारी टीचिंग अब इनके बारे में मैं दस पंद्रह मिनट बात करूँ तो कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आप एज ए टीचर के रूप में ये सारी चीज़ें जानते हैं और इस सिचुएशन से गुजरे हैं फिर भी एक बच्चा पहले से ये धारणा बना के बैठा है कि यार इंग्लिश तो एक हार्ड विषय है गणित एक हार्ड विषय है तब आप कितना भी जोर लगा लीजिए आपकी टीचिंग प्रभावी हो ही नहीं सकती जब तक आप उस बच्चे की धारणा को गलत साबित नहीं करें और इसके लिए केवल एक शब्द आता है इंटरेस्ट आपकी क्लास यदि इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग है यदि आप बच्चों में रुचि उत्पन्न कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं ध्यान रखना यदि आपके एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न बन के आ जाए कि आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में ऐसे विद्यार्थी हैं कुछ डल माइंड के भी हैं कुछ आपके प्रतिभाशाली भी हैं कुछ एवरेज हैं तो आप किस रूप में उस चैलेंजेस को फेस करेंगे क्या आप मान लीजिए जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका गुणगान करते रहेंगे कमजोर बच्चे हैं उनको आप छोड़ देंगे नहीं तो आप विशेष तौर पे उनका ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा पॉजिटिव आंसर देना है सभी को साथ लेके चलना है ऐसा नहीं कि प्रतिभाशाली की आप चर्चा करते जा रहे हैं छोटे कमजोर कमजोर बच्चे होते हैं उनको आप डिमोटिवेट करते जा रहे हैं ऐसा कभी नहीं होगा तो थोड़ा सा खुद का भी एक कॉम्प्रियंशन होना चाहिए इस टॉपिक में इसके बाद है लैक ऑफ मोटिवेशन इंटरेस्ट प्रैक्टिस गाइडेंस अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती मोटिवेशन नहीं मिलता इसकी वजह से जो विषय होते हैं वो रुचिकर बच्चे को नहीं लगते हैं। और इसकी वजह से ही वो खुद का जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो बना के बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक हम चैलेंजेस कह सकते हैं बच्चों के लिए ट्रेडिशनल एग्ज़ाम सिस्टम जो पुराना एग्ज़ाम सिस्टम है आज भी है ना हम देखते हैं कि बच्चे को सिर्फ एग्ज़ाम को पास करवा दिया उससे इतना ही मतलब है उस भाषा में उस बच्चे की क्या समझ होना चाहिए उस भाषा में वो क्या गोल अचीव कर सकता है इससे कोई मतलब नहीं है बस मतलब इतना है कि बच्चे को मटेरियल पढ़ा दो और उससे उसका एग्ज़ाम निकल जाए तो ये भी हम एक चैलेंजेस कह सकते हैं भाषा को सीखने में और सिखाने में लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें ऑडियो विजुअल एड्स की कमी होती है जिस बच्चे को ज़रूरत होती है मान लीजिए छोटे बच्चे हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स की सहायता से बेहतर सीख सकते हैं लेकिन है ही नहीं अब स्कूल का फंड की वजह से मान लीजिए कहीं भी कोई दिक्कत हो लेकिन उसकी वजह से वो यदि उपलब्ध नहीं है तो हम उसको एक चैलेंजेस के रूप में देखेंगे ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ाने का जो पुराना तरीका है आज भी टीचर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो वो एक बेहतर तरीका नहीं है तो वो भी एक चैलेंजेस है उसके द्वारा भी एक बच्चा जो है वो शिक्षण को बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा लैक ऑफ ट्रेंड टीचर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के वजह से देखें तो क्योंकि आज भी टीचर हैं वो किसी भी भाषा का अनसिक नॉलेज रखते हैं किसी वर्ड की सही करेक्ट प्रोनाशिएसन क्या होगी ये भी उस, टीच, उस टीचर को पता नहीं है तो बच्चा क्या सीखेगा और आजकल तो टीचर भी ऐसे हो गए हैं जो उस स्कूल की जो वातावरण है उसका माहौल है उससे क्लास का जो माहौल है उसको देखकर वैसा ही बन जाते हैं कि यार किसी को कोई मतलब नहीं है तो हम अपना माता पच्ची क्यों करें तो ये भी एक कमी होती है एक ट्रेन टीचर की कमी जो हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंजेस है बच्चों के लिए तो ज़रूर है लर्निंग का जो अलग अलग स्टेज है जैसे प्राइमरी क्लास के लिए किस प्रकार के ए, करिकुलम की व्यवस्था होनी चाहिए जो आपका मिडिल क्लास है जो आपका अपर क्लास है उसके लिए किस प्रकार का शिक्षण बेहतर होना चाहिए तो ये भी एक हम चैलेंजेस के रूप में देखेंगे लैक ऑफ डिसाइडिंग इंग्लिश कैरिकुलम है इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग है जो मदर टंग है जैसे हम जैसे बच्चे बोलते हैं पेंट अब होता ही नहीं पेंट है ना इंग्लिश में कुछ और होता है ये होता है इंग्लिश में तो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं वो होता नहीं तो मदर टंग का जो इंटरफेरेंस है वो भी कई बार चैलेंज के रूप में हमें देखने को मिलता है प्रभावित तो करता ही है ओवर क्राउडेड क्लास ये तो होता ही होता है आजकल कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें होना चाहिए बीस स्टूडेंट की व्यवस्था लेकिन कमरे की वजह से या कुछ और वजह से मान लीजिए पॉपुलेशन की वजह से मान लीजिए क्लास में बच्चे होते हैं सत्तर अस्सी के करीब अब प्रत्येक बच्चे से हम प्रत्येक बच्चे को हम आंकेंगे नहीं प्रत्येक बच्चे से हमारा जुड़ाव नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि हमारी टीचिंग कैसे प्रोवाइड हो सकती है हमें कैसे पता लगेगा कि यार हमारा टीचिंग कितना इफेक्टिव हुआ है कितना उस बच्चे को समझ आया है कहीं ना कहीं और क्राउडेड क्लासरूम है ये भी एक चैलेंजेस के रूप में है तो ये कुछ मोटे मोटे चैलेंजेस हैं और इनसे अलग इनसे बाहर तो क्या जाएगा कोई प्रश्न साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मोटिवेशन है इंटरेस्ट है गाइडेंस है ट्रेडिशनल एग्जाम सिस्टम है ऑडियो विजुअल एड्स है ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग है ट्रेंड टीचर की कमी है लर्निंग स्टेज है कैरिकुलम हो सकता है मदर टंग का इंटरफेरेंस हो सकता है और क्राउडेड क्लासरूम हो सकता है तो इनसे रिलेटेड तो कोई प्रश्न आएगा तो जनरल सा क्वेश्चन आप मान सकते हैं आप इतना पढ़ के भी आप उस प्रश्न को कर सकते हैं बाकी आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब अब हमारा डिस्कशन है एरर्स और डिसऑर्डर के बारे में इंपॉर्टेंट है यहाँ से प्रश्न डेफिनेट बनेगा एरर्स के बारे में इन दोनों की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, है और एरर्स की परिभाषा रेट एग्जाम पूछ चुका है एरर्स क्या होते हैं एरर्स का मतलब होता है गलतियाँ और गलतियाँ क्यों होती हैं गलतियाँ इस वजह से होती हैं द लर्नर हैज़ एक्वायर ओनली पार्शियल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज पार्शियल का मतलब होता है आंसिक किसी भाषा का आंशिक रूप से कोई बच्चा ज्ञान को ग्रहण करता है तो स्वाभाविक है कि गलतियाँ होगी और उसको हम क्या कहेंगे एरर्स कहेंगे जैसे वो गलतियाँ ग्रामेटिकल रूप से हो सकती हैं स्पेलिंग एरर हो सकता है किसी वर्ड के सही करेक्ट प्रोनाशिएशन का पता नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन संबंधी एरर्स हो सकती हैं तो सिंपल सी बात करें तो क्या होगा पार्शियल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एक बच्चा आंशिक रूप से किसी भाषा को ग्रहण करता है तो डेफिनेट वो क्या होगा आपका एरर्स होगा जबकि डिसऑर्डर क्या होते हैं दोनों की डेफिनेशन आप जरूर याद रखिएगा डिसऑर्डर डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं ए लैंग्वेज डिसऑर्डर इज ए डिसऑर्डर इन विच ए चाइल्ड हैज़ डिफिकल्टीज इन लर्निंग सीखने में दिक्कत एंड यूजिंग ए लैंग्वेज किसी भाषा को यूज करने में यदि दिक्कत है किसी भाषा को सीखने में बच्चे को दिक्कत है तो उसको हम क्या नाम देंगे उसको नाम देंगे हम डिसऑर्डर कुछ डिसऑर्डर हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहला है आपका रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर दूसरा है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कोई दिक्कत नहीं है दोनों को नाम से ही पता लग रहा है रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है रिसिव मैंने भी आपको स्किल में आपको बताया था कि रिसेप्टिव स्किल कौन से होते हैं वही होते हैं लिसनिंग और रीडिंग या तो हम अंडरस्टैंडिंग या लिसनिंग के माध्यम से सीख सकते हैं रिसीव कर सकते हैं भाषा को या हम रीडिंग से कर सकते हैं यदि उन दोनों से बच्चे को दिक्कत हो रही है तो उसको हम नाम क्या देंगे रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर अगला है आपका एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिव का मतलब होता है अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति वाले कौन से हैं जिसको हम यूज करने में दिक्कत कह सकते हैं वो होते हैं आपके स्पीकिंग यानी बोलना और राइटिंग लिखना लिखने और बोलने में दिक्कत है बच्चे को तो उसका हम नाम देंगे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर ध्यान रखना है इसमें से कोई भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है निम्न में से कौन सा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है थोड़ा सा नाम से आपको लिंक करके याद रखना है कुछ लैंग्वेज डिफिकल्टीज हैं उम्मीद करता हूँ साइको में आपने खूब पढ़ रखी होंगी डिस्कैल्कोलिया डिस्फेजिया एफेजिया है ना एफेसिया ये सारी चीज़ें वही हैं फिर भी हम थोड़ा सा मोटा मोटी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं डिस्लेक्सिया ये क्या है रीडिंग डिफिकल्टीज है बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो उसको हम नाम देंगे एक ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है जिसका नाम है डिस्लेक्सिया अब डिस्लेक्सिया रीडिंग से संबंधित है तो सिंपल सी बात है कैसा होगा रिसेप्टिव होगा और मोस्टली ये प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल तक के बच्चों में पाया जाता है क्योंकि वहाँ ही हम बच्चे को सही रूप से पढ़ाना सिखाना शुरू करते हैं तो वहाँ हमारी कमज़ोरी रहेगी तो डेफिनेट है कि वो बच्चा रीडिंग से संबंधित डिफ़िकल्टीज करेगा और यदि हम उस बच्चे को यदि सही करना चाहते हैं तो वहीं उस कमी को हम दूर कर सकते हैं प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल पर इसके बाद है डिस्ग्राफिया ग्राफ से संबंधित यानी लिखने से संबंधित अब लिखने से संबंधित है तो वो लिखने वाला किस में जाएगा डब्लू वाला किस में जाएगा एक्सप्रेसिव में जाएगा तो ये कौन सा हो गया आपका एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया अगला है डिसनोमिया जो आपका मेमोरी से संबंधित डिफिकल्टीज है अफेसिया ये इंपॉर्टेंट है अफेसिया ये याद रखिएगा अफेसिया ये होता है भाषा को भाषा में देरी है ना डिले लैंग्वे डिले डेवलपमेंट इन लैंग्वेज और ये भी आपका ब्रेन डेमेज से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा अफेसिया एक ये याद रखिएगा रेजिजूअल साउंड डिसऑर्डर एक तो इसका सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो आप जरूर देख के जाइएगा ये रेजिड्यूल या आप कुछ और पढ़ते हैं वो नहीं होगा रेजिजूल है रेजिजूअल साउंड डिसऑर्डर ये भी हमारी जो उम्र है करीबन एडल्ट में हम देखते हैं इसको और यदि इसका इस समय सही इलाज नहीं होता है तो ये कंप्लीटली पूरे जीवन भर के लिए भी प्रभावित करता है तो ये भी एक साउंड से रिलेटेड है जिसको हम थोड़ा सा याद रखेंगे एडल्ट ये वर्ड याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे गए हैं वो डिस्कशन कर लेते हैं वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर इज फाउंड वेहन जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है उसका हमें कैसे पता चलेगा पहला ऑप्शन है लर्नर इज मिसिंग द क्लास कोई बच्चा क्लास मिस कर रहा है इसका मतलब ये है, थोड़ी मान लें कि उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर है ये तो हो नहीं सकेगा गलत लर्नर इज स्पीकिंग क्लास एक बच्चा क्लास में बोलता है तो बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर है गलत चौथा ऑप्शन है स्पीक लर्नर स्पीक फुल सेंटेंस एक पूरा वाक्य बोलता है तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज डिसऑर्डर है ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड वाला क्यों कि लर्नर स्पीक इन शॉर्ट शॉर्ट एंड फ्रीगमेंट फ्रेजेस फ्रीगमेंट फ्रेजेस का मतलब होता है टुकड़ों में बातचीत करना अब कोई बच्चा टुकड़ों में अटक अटक के बोलेगा तो सिंपल सी बात है वो क्या है लैंग्वेज डिसऑर्डर से ग्रसित है तो इसका पता हमें ऐसे लगेगा अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन वहन ए चाइल्ड हैज डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग किसी मीनिंग के अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत है वो डिसऑर्डर हो सकता है क्या दूसरा है डिफिकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग हर थॉट थॉट किसी thought को एक्सप्रेस करने में यदि दिक्कत है तो क्या उसको हम लैंग्वेज डिसऑर्डर कह सकते हैं थर्ड है ट्रबलिंग प्रोड्यूस सम साउंड एक्यूरेटली कुछ साउंड को वो एक्यूरेट कर रहा है क्या वो डिसऑर्डर है क्या बोथ एक एंड दो तो आराम से पता लग रहा है बोथ एक एंड दो हो जाएगा मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत होगी नहीं ये इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा आर्टिकुलेशन डिस साउंड डिसऑर्डर पहली चीज ये स्पीच साउंड से रिलेटेड डिसऑर्डर है और मोस्टली एक इसकी वजह से होता है ऑर्गन ऑफ स्पीच की वजह से होता है हमारे जो ऑर्गन ऑफ स्पीच हैं जैसे लिप्स है टिथ है टंग है, है है ना इस इनकी वजह से हम गलतियां कर बैठते हैं उसको हम नाम देंगे आर्टिकुलेशन साउंड डिसऑर्डर जिसको हम फनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं स्पीच साउंड ये डिसऑर्डर है याद रखना तो इट काज इट इज़ कॉल्ड आर्टिकुलेशन साउंड डिसऑर्डर थोड़ा सा याद रखिएगा और ऑर्गन ऑफ स्पीच साउंड से रिलेटेड डिसऑर्डर जिसका नाम है आर्टिकुलेशन साउंड डिसऑर्डर बस इतना याद रखना है काफ़ी ज़्यादा कोई गहराई में इसके घुसने की जरूरत है नहीं इसको भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फनीमिक साउंड डिसऑर्डर है फनीम से संबंधित साउंड से संबंधित जिसे वेट को हम पढ़ते हैं वेट लेकिन होता है वेट वेट तो इसका होता है भार वाले का ना तो ये भी एक साउंड से रिलेटेड कह सकते हैं मिक्स वाले में ये दोनों हो जाएंगे फनीमिक भी हो जाएगा और फनेटिक भी हो जाएगा ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हाँ ये ज़रूर याद रखिएगा रेजिज साउंड डिसऑर्डर है वो एडल्ट पे रहेगा और होल लाइफ ये दो वर्ड आपकी वर्ड याद रखिएगा एडल्ट और होल लाइफ बस इतना काफ़ी है ऑटिज्म ये आप सब लोग जानते हैं माय नेम इज़ खान थी उसमें शाहरुख खान का जो रोल है वो आप ऑटिज्म समझ सकते हैं एक बच्चा अकेला अपने आप को महसूस करता है अकेला रहना पसंद करता है कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है है ना किसी चीज़ को बार बार उसी चीज़ को कर रहा है है ना तो वो आप ऑटिज्म से ग्रसित कह सकते हैं थोड़ा सा याद रख सकते हैं ये तीन प्रश्न हैं जो मैंने लिखे हैं और इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट सेशन में जरूर रखने हैं ताकि पता लगे कि आपके तीनों सही हुए हैं या नहीं हुए हैं और इनके आंसर सही क्या है वो मैं आपको पिन कर दूंगा वहां से आप मैच कर सकते हैं तो एक बार फिर से देखो जितनी पढ़ने लायक चीजें हैं वो मैंने सारी डिस्कस की हैं उम्मीद करता हूँ इतना पढ़ने के बाद आप खुद का माइंड सेट करके आंसर कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्योंकि एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे तो आराम से आपका कॉम्प्रिहेंसिव बढ़िया है इतनी चीज़ों को आप जानते हैं तो आराम से प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम है बाकी तो पढ़ने को हजार बार आप कहीं से भी पढ़ते रहिए पर इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश पर हमने बात की थी मोटा मोटी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की मोटिवेशन की कमी की इंटरेस्ट प्रैक्टिस गाइडेंस पुराना एग्जाम सिस्टम ऑडियो विजुअल एड्स ओल्ड मेथड्स ट्रेंड टीचर्स लर्निंग के अलग अलग स्टेज कैरिकुलम पाठ्यक्रम मदर टंग का इंटरफेरेंस और क्राउडेड क्लासरूम्स ये कुछ मोटे मोटे हम डिस्कस कर चुके हैं एरर्स की हमने बात की तो बात की तो किसी भाषा का यदि हमें अनसिक नॉलेज है बच्चे को अनसिक नॉलेज है तो स्वाभाविक गलतियाँ होंगी प्रोनंसिएशन संबंधी हो सकती हैं स्पेलिंग संबंधी हो सकती हैं ग्रामेटिकल रूप से हो सकती हैं और डिसऑर्डर की हमने बात की थी कि लर्निंग से संबंधित यदि बच्चा सीखने में दिक्कत है और उस भाषा को यूज करने में यदि दिक्कत हो रही है तो उसको हम डिसऑर्डर नाम देंगे रिसेप्टिव की हमने बात की थी भाषा को रिसीव वाले कौन कौन से हैं लिसनिंग और रीडिंग हो जाएंगे और एक्सप्रेसिव और डिसऑर्डर की हमने बात की थी स्पीकिंग और राइटिंग हो जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफिकल्टीज़ की अगर बात करें तो रीडिंग से संबंधित डिस्लेक्सिया हो जाएगा राइटिंग से संबंधित डिस्ग्राफिया जाएगा अब राइटिंग है सीधी सी सिंपल सी बात है एक्सप्रेसिव है तो ये आपका यूज हो जाएगा एक्सप्रेसिव अफेसिया जरूर ध्यान रखिएगा लैंग्वेज डिले है उसको हम अफेसिया कहेंगे है ना और रेजिजल डिसऑर्डर वो होल लाइफ एडल्ट में रहेगा है ना तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर ये स्पीच साउंड से रिलेटेड है हमारी ऑर्गन ऑफ स्पीच की वजह से गलतियाँ हो जाती हैं और इसकी वजह से हम उसको आर्टिकुलेशन साउंड डिसऑर्डर कहते हैं इसी को नाम देते हैं हम फोनेटिक डिसऑर्डर बस इतना काफ़ी है ऑटिज्म ये आपको पता है इन तीनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर के पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो ये यूनिट पूरी होने के बाद मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा इसके लिए आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा कि जिसको जरूरत है ताकि उस हिसाब से मैं मैनेज कर पाऊँ आज के सेशन में इतना ही उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा बेहतर लगा होगा कम समय में बेहतर करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लगातार यदि मेरे साथ जुड़े हैं तो डेफिनेट आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे तो आज के इस सेशन में इतना ही उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद होगा आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे पढ़ते रहिए मुस्कराते रहिए और कल की हमारी क्लास के साथ जरूर जुड़िएगा जिसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ होम लैंग्वेज और इसके बाद आखिरी इस यूनिट की क्लास होगी जिसमें हम बात करेंगे मल्टीलिंग्वलिज्म थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे बाय बाय टेक केयर